इससे पहले मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने आपके साथ 5 मस्ट हैव साड़ीज शेयर की थी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मस्ट हैव ब्लाउजेस शेयर करने वाली हूँ जो आपके पास होने चाहिए। जितना मेरा एक्सपीरियंस उसमें मैंने इन जो ये जो भी ब्लाउजेस है 5 ब्लाउजेस है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं व्हेनेवर मुझे साड़ी वेयर करनी होती है और मेरे पास उसके ऊपर का ब्लाउज नहीं होता है, तो उस टाइम पे मैं इनको ट्राई करती हूँ एंड वो बहुत अच्छे से जाते हैं, तो उनको मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज दिस, ये ब्लाउज नहीं है, ये क्रॉप टॉप है, बट मेरे लिए ये ब्लाउज से कम भी नहीं है, क्योंकि जब भी मुझे कोई साड़ी जो मैं शूट के लिए करती हूँ उनके लिए मैं इसको वेयर करती हूँ एंड ये बहुत अच्छा दिखता है। मेरे बहुत सारे साड़ीज पे इनको वेयर किया है, उनके पिक्चर्स मैं दे दूंगी, यहाँ पे वीडियोज होगा तो वो भी मैं वीडियो यहाँ पे लगा दूंगी, तो आप देख पाएंगे उसमें कि ये लगता नहीं है। लाइक इसको फर्स्ट जब आप उसको देखते हैं ना तो नहीं लगेगा आपको कि ये क्रॉप टॉप है एंड ब्लाउज नहीं है, क्योंकि वो वैसा ही दिखता है ना। इसको मैंने ये क्रॉप टॉप है, बट मैं बोलूंगी कि आप ब्लाउज अगर आप सिलना चाहते हैं, लाइक आप क्रॉप टॉप में कंफर्टेबल नहीं है तो आप ब्लाउज ले सकते हैं। लाइक ब्लाउज आप एक अलग से कपड़ा लेके उससे आप स्टिच कर सकते हैं जो कि अच्छा लगता है ना। आप स्लीवलेस में स्टिच कर सकते हैं, मेरे पास है जो स्लीवलेस में नहीं है, बट ब्लाउज है मेरे पास जो बहुत पहले स्टिच करके दिया था मेरी मम्मा ने मुझे। तो ये लाइक जब भी मेरे पास कोई साड़ी होती है जिसमें ब्लैक कलर होता है या फिर ये ब्लैक ब्लाउज किसी और साड़ी के साथ भी जाता है ना, मैं इसको वेयर कर लेती हूँ एंड ये बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि आप उसको इतने शोल्डर में ना सिलवाए, लाइक आप 3/4 में सिले, या अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो आप स्लीवलेस में स्टिच कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा ओल्ड फैशन काइंड ऑफ लगता है अभी। 3/4 हैंड के ब्लाउज की ट्रेंड है तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं आपको वो रिकमेंड करूंगी। पर एक ब्लैक ब्लाउज आपके साथ आपके पास होना ही चाहिए आपके वार्डरोब में, इट इज अ मस्ट हैव पीस, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट 80% साड़ीज में ब्लैक कलर होता है। लाइक पता नहीं होता है कि नहीं, मेरा फेवरेट है इसलिए मेरे पास तो बहुत सारी साड़ीज है जिनके ऊपर ये जाता है, लेकिन उसमें ब्लैक कलर है, मैं उसके साथ इसको वेयर कर लेती हूँ तो हर साड़ी का ब्लाउज स्टिच करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो या दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज दिस अ गोल्डन ब्लाउज, आपके पास एक गोल्डन ब्लाउज होना ही चाहिए क्योंकि आपकी ऑलमोस्ट हर साड़ी में गोल्डन कलर होता है ना। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इसको एक तो स्लीवलेस में खरीदे या फिर जैसे मैक्सिमम गोल्डन कलर होता है, अभी ये नेट में है, मुझे नेट में नहीं चाहिए, मैंने मेरी मम्मा को बोला है मेरे लिए एक अलग स्टिच करने को स्लीवलेस में, तो अगर जब भी आएगा मैं आपको दिखाऊंगी उसको भी। बट एक गोल्डन ब्लाउज आपके पास होना ही चाहिए, ये भी बहुत सारी साड़ीज के साथ जाता है। एक्चुअली मेरी एक साड़ी के ऊपर का है बट ये और भी बहुत सारी साड़ीज के साथ जाता है, तो एक गोल्डन ब्लाउज आपके पास होना ही चाहिए, वो आपको बहुत हेल्प करता है। थर्ड वन इज व्हाइट क्रॉप टॉप, लाइक ब्लैक दिखा है तो ऑफकोर्स व्हाइट तो दिखाना ही चाहिए, और हर इस पे जो भी लुक्स होंगे मेरे लाइक ब्लैक क्रॉप टॉप पे या ब्लाउजेस पे जो भी लुक्स होंगे, मेरे पास पिक्चर्स होंगे तो सबके पिक्चर्स मैं यहाँ पे दे दूंगी। तो इसको भी मैंने बहुत सारे साड़ीज के साथ स्टाइल किया है एंड ये बहुत अच्छा लगता है, व्हाइट डिसेंट लगता है बहुत ज्यादा, एंड उसके साथ जो मैं कलर वेयर करती हूँ वो भी थोड़े से डिसेंट लाइक मैच होने जैसे होते हैं, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, उनके पिक्चर्स होंगे यहाँ पे आप देख पाओगे। तो एक व्हाइट क्रॉप टॉप मैं बोलूंगी, ब्लाउज नहीं लाइक या फिर ब्लाउज स्टिच किया हुआ स्लीवलेस में या जो भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि व्हाइट भी बहुत सारी साड़ीज के साथ जाता है एंड वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिसेंट लगता है, तो एक व्हाइट क्रॉप टॉप ब्लाउज होना चाहिए। नाउ फोर्थ वन इज दिस इज माई वन ऑफ मोस्ट फेवरेट ब्लाउज, ये मेरी मामा ने स्टिच किया हुआ है, उन्होंने मुझे स्टिच करके दिया था एंड इसको मैंने 2-3 साड़ीज के साथ ऑलरेडी वेयर किया है एंड ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एक नॉर्मल था, उसके साथ आप किसी भी टेलर के पास जाओगे तो वो लोग आपको अच्छे से एक स्लीवलेस ब्लाउज स्टिच करके देंगे। मैं आपको ये कलर रिकमेंड करना चाहूंगी कि इस कलर में आप ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लाइक मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं अपनी गोल्डन साड़ी के साथ इसको ट्राई करूंगी एंड वो इतना अच्छा लगेगा, उसका फोटो यहाँ पे होगा, वीडियो भी मैं दे दूंगी। तो ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं ये कलर मुझे इतना क्यों लगा कि ऐसे, बट ये जस्ट ब्यूटिफुल कलर। सो ऐसे कुछ ब्राइट कलर में आप एक स्लीवलेस ब्लाउज अच्छा सा स्टिच करके ले सकते हैं, उसमें ज्यादा कलर्स होंगे तो भी अच्छा होगा क्योंकि फिर आप ज्यादा साड़ीज के साथ उसको वेयर कर पाएंगे, तो एक ब्लाउज ऐसा मस्ट हैव। एंड लास्ट वन इज दिस, ये कलर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इस कलर में इतने ही शोल्डर में ब्लाउज सिलवा ले, एक ये
बहुत अच्छा लगता है, इसका कलर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये मेरे 3 से 4 साड़ीज पे मैं इसको ऑलरेडी वेयर कर चुकी हूँ। इसके हाथ 3-4 है, तो आप इसको किसी भी जगह पर पहन सकते हैं, कंफर्टेबली पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नॉर्मली भी साड़ी पहनते हैं तो ये आपकी बहुत सारी साड़ियों पे चला जाएगा। इसका कलर बहुत अच्छा है, तो ये बहुत 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 अच्छा लगता है। और मैं आपको इसी में लाइक 3-4 शोल्डर में और 2 रिकमेंड करना चाहूंगी। उनमें नेक्स्ट वन इज दिस, इसका कलर बहुत अच्छा है, बहुत सारी साड़ीज के साथ जाएगा। तो अगर आप कंफ्यूज है कि आपको अलग कोई ब्लाउज सिलवाना है एंड उसमें आपको कलर नहीं मिल रहा है, गो विद द पिंक। और इस पिंक में, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मैं क्या बताऊँ आपको, ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने इसको एक साड़ी के साथ, जिसके ऊपर का ये ब्लाउज है, मैं उस साड़ी का एंड अभी रिसेंटली साक्षी ने एक साड़ी के साथ इसको वेयर किया था, तो हम दोनों के पिक्चर्स मैं आपको दे दूंगी यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसमें ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसके ये एक एंड एक वन मोर थिंग मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें, वो ये है कि आप जब भी ब्लाउज स्टिच करें तो आप उसको प्रिंसेस कट में स्टिच करें। अगर आपको प्रिंसेस कट पता नहीं होगा तो प्रिंसेस कट ये होता है जिसके फ्रंट में बटन्स नहीं होते, बटन्स या हुक्स जो होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं। तो ऐसा ब्लाउज जो जब भी आप साड़ी को लाइक पल्लू को ऐसे हाथ पे छोड़ते हैं तो फिर वो दिखना नहीं चाहिए, लाइक प्रॉपर नॉर्मल दिखना चाहिए, इसलिए ब्लाउज को ऐसे स्टिच करें। एंड अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं, वो लोग दिखाते हैं, या फिर आप टेलर को भी बोलोगे कि आपको प्रिंसेस कट में ब्लाउज स्टिच करवाना है तो आपको स्टिच करके दे देगा। तो प्लीज ये मेरी टिप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है आपके लिए कि जब भी आप ब्लाउज स्टिच करें तो उसको प्रिंसेस कट में ही स्टिच करें। एंड या एंड अबाउट दिस कलर, इसका सेम ब्लाउज मैंने दिखाया स्लीवलेस में, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरी एक साड़ी के ऊपर का है एंड ये बहुत अच्छा लगता है। तो या 3-4 स्लीव्स में भी ब्लाउजेस बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको स्लीवलेस में नहीं पहनना है तो आप 3-4 स्लीव्स स्टिच कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं एंड एलिगेंट लगते हैं। तो ये थे कुछ 5 ब्लाउज रिकमेंडेशन फॉर यू। एंड जो मैंने फर्स्ट क्रॉप टॉप दिखाया उसमें ये भी क्रॉप टॉप है, इसको भी आपने देखा होगा, बहुत सारी साड़ी के साथ मैंने इसको भी वेयर किया है, उसके भी पिक्चर्स मैं यहाँ पे दे दूंगी। तो ये भी बहुत सारी लाइक ब्लैक क्रॉप टॉप आपके साथ होगा तो वो बहुत सारी साड़ीज के साथ चला जाता है, अगर आप कंफर्टेबल है तो। ब्लैक ब्लाउज होगा तो भी वो बहुत सारी साड़ीज के साथ चला जाता है, ट्रस्ट मी, आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा अगर आप एक ब्लैक ब्लाउज स्टिच करें। या जो भी मैंने इसमें दिखाया है वो सारे ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना मुझे या मम्मा को मेरी एक्सपीरियंस है साड़ीज के साथ, ब्लाउजेस के साथ, तो वो भी मुझे उन्हीं से सीखा है, अब ये और क्या बोलूं, उन्हीं से सीखा है कि कौन सा कहाँ पे करना है एंड क्या वो सब कुछ। तो या एंड उसमें भी अगर आप ब्लैक कलर के फैन हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर तो आपके पास बहुत सारी ब्लैक साइज होंगी। तो इसलिए ये मेरे तरफ से था, लाइक मेरे मुझे लगता है कि ये मस्ट हैव्स है, तो आप इसमें से पिक करके स्टिच कर सकते हैं, आपको रिग्रेट बिल्कुल नहीं होगा। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्या बाय।